are so heartless and you don't care and I don't. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं लेके आता हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने एक मोबाइल का बैक कवर, जो कि आप पहले मेरे जिस मोबाइल की अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, जिसका नाम है आईक्यू न्यू 6। इसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा है, जो कि कुछ इस टाइप का है। चलिए इसकी पैकेजिंग देखते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक ये किस टाइप का है। एक्चुअली में मुझे ये ऑनलाइन इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि मुझे ये ऑफलाइन बैक कवर मिल नहीं रहा था कहीं पे भी, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन मंगा के देखा है और मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे हैं। ये कवर काफ़ी अच्छा है, इसमें मोबाइल जो आपका है वो काफ़ी सेफ रहता है। मैं इससे पहले भी इस टाइप के कुछ कवर यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये कवर सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर से मेरा फ़ोन इस कवर के थ्रू गिरा है, लेकिन इसमें ना ही फ्रंट से ना ही बैक से मेरे फ़ोन को कभी कोई डैमेज हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा है। इसमें पीछे स्टैंड भी है, ये मैंने ब्लू कलर का ऑर्डर करा है, जो कि कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। इसमें स्टैंड भी है जो कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कवर की। इसकी फिनिशिंग जो है काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं इसके पॉइंट। कुछ मैंने पिक्चर्स ली हैं जो आपको दिखा सकता हूँ इसके स्टैंड की, कि ये कैसा दिखता है। हाँ, आगे चल के इसका स्टैंड जो है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इस स्टैंड को, तो ये बाद में आगे चल के ये थोड़ा ढीला हो सकता है, अदरवाइज़ इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देख सकते हैं कुछ सैम्पल्स मैंने बीच बीच में इसमें डाले हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग कैसी है। ये मेरा फ़ोन है जिसमें मैं अब इसको इंसर्ट करूँगा और आप इसके देख सकते हैं कि इसके पॉइंट्स और इसके बटन स्लॉट्स किस टाइप के हैं। तो चलिए इसको मैं लगा के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका फर्स्ट लुक कैसा है, और आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप का है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा सा अगर मैं इस कवर को अगर यूज़ करूँगा तो नॉर्मली जो मेरा फ़ोन है वो पहले से थोड़ा मोटा हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ठीक है। अगर आपको अपने फ़ोन की सेफ्टी रखनी है कहीं, क्योंकि आज के टाइम पे फ़ोन कभी भी ऊपर से गिर सकता है, इससे आपका जो फ़ोन है वो डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि आपको बैक कवर हमेशा यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस कैसा दिख रहा है, ये काफ़ी प्रीमियम भी दिख रहा है। अगर आपको लगेगा कि इसको आप यूज़ करते हुए आपको ये लगेगा कि ये नहीं, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गंदा लगेगा, तो इस तरह का ये कवर नहीं है। अगर आप किसी के सामने ये कवर निकालेंगे तो आपका कवर भी एक बार को अट्रैक्टिव लगेगा और लोग पूछेंगे कि ये कवर आपने कहाँ से लिया, ये जैसा भी है। ये मैंने कुछ इसके शॉट्स हैं जो मैंने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद कवर को कुछ खींचे हैं, तो आप देख सकते हैं इसके, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो कि मेरे हिसाब से ये मेरे हाथ में जब आता है तो मुझको काफ़ी अच्छा लगता है। ये कई बार गिर भी चुका है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें और बेल आइकन को टैप कर दें, जिससे मेरे वीडियोज़ की आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।